हेलो। हाँ भाई, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। मैंने आपको ग्रुप में भी सूचित कर दिया था, व्हाट्सएप में भी कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, और ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली वो बच्चे जो SSC दे रहे हैं, 10+2 दे रहे हैं, TCL दे रहे हैं, या फिर इस साल अभी जो रेलवे देंगे या फिर CDS देंगे, बहुत सारे एग्जाम में आता है। इवन आप पुलिस देंगे और CPSI में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और हम लोग एकदम नई अप्रोच से पढ़ेंगे। एकदम मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एकदम छोटे छोटे तरीके से सॉल्व करके बताऊं करके, ठीक है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। देखो, तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे अगर मैं बोलूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझते रहिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 30 डिग्री है, समझते रहेंगे। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एक एंगल 30 है, ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेटली क्या होगा? 90 होगा। ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या बनेगा? ये बनेगा 60। तो आप ये थोड़ा सा रेशियो याद रखेंगे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो क्या होता है। तो ये रेशियो हमेशा होता है 1:√3:2, ये फिक्स होता है, हमेशा ये रेशियो होता है। कभी भी आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, उसमें ये एंगल का कॉम्बिनेशन बने 30, 60, 90, तो 30 की वैल्यू 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 वैल्यू पुट करिए, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2, और 90 के सामने क्या हो जाएगी? 2। चलिए, ये पहला कॉम्बिनेशन अपन ने देखा। दूसरा कॉम्बिनेशन अपन देखते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली ये एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। हम क्या करते हैं, एक एंगल को 45 मानते हैं। अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी आपका 45 होगा, और 45 और 90 का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 1:1:√3 बनता है। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है? ये दूसरा कॉम्बिनेशन है जो आपको याद रखना है। 60, 30, 60, 90 का कॉम्बिनेशन हमेशा 1:√3:2 बनता है, 45, 45, 90 का कॉम्बिनेशन 1:1:√2 बनता है, ठीक है? एक तीसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा 15, 75 और 90, देखते रहिएगा, ठीक है? इसका किसे मिलेगा? 15 आंसर, 75 आंसर, और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो जब भी आपको एक कॉम्बिनेशन दिखे 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, तो हमेशा ये वैल्यू होती है √3 - 1, √3 + 1 और 2√2। तो ये तीन कॉम्बिनेशन आपको याद रखना, ठीक है? ये पहला कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन और ये तीसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है? इसको आप नोट करते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है? पहला कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया, दूसरा कॉम्बिनेशन समझ में आया, तीसरा कॉम्बिनेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको जो है नोट आउट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं आपको तीन बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट क्या है देखेंगे थोड़ा सा। ओके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? अच्छा, आपको पता है कि कभी भी किसी ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का मान लेते हैं ये एंगल क्या होगा? ये अल्फा है, समझते रहेगा, ये एंगल कितना है? अल्फा है। ये एंगल आपका कितना है? अल्फा। तो जब भी हम जो है इस डिस्टेंस की ओर चलते हैं, इस साइड में चलते हैं, बाहरी एंगल से, बाहर साइड से जब अंदर की साइड में चलते हैं, तो ये जो आपका एंगल होगा वो डेफिनेटली अल्फा प्लस एंगल होगा, यानी कि जितना इसकी वैल्यू होगी उससे हमेशा इसकी ज्यादा वैल्यू होगी। ओके, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में समझते रहेंगे, ये आपका एंगल बीटा है, और बीटा से मुझे आगे बढ़ना पड़े तो मुझे इसके टॉप से जो ये एंगल बनेगा ये हमेशा बीटा माइनस एंगल बनेगा, यानी कि इसका मान जो भी होगा उसके मान से ये वाला एंगल की वैल्यू हमेशा क्या होगी? कम होगी। अगर हम लोग किस साइड में आ रहे हैं? हम लोग बाएं हाथ में आ रहे हैं, हम लोग दाएं हाथ में जाएंगे, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल जो होगा, इसके आगे जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा अल्फा से ज्यादा बनेगा। चलिए देखते हैं, इसके थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ और बिल्कुल ध्यान देके बिल्कुल सॉल्व करेंगे। जैसे कि
देखते रहिएगा, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये ट्रायंगल है, और ये एंगल अपन मान लेते हैं कि दिस इज 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, जैसे अपन इसके आगे बढ़ेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे आते हैं, और ये जो एंगल आपका बन रहा है, ये एंगल आपका बन रहा है 45 डिग्री, देखते रहिएगा कुछ भी समझते, 45 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे देखिए, हमेशा जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के मिले, ये 45 होगा तो ये एंगल कितना, ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल आपका बन जाएगा 45, समझते रहिएगा, ये एंगल कितना बनेगा 45, हमेशा जो ये डिस्टेंस होती है इसको मान लेता हूँ डी, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के पास ये जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को आप हमेशा वन यूनिट मानेंगे, कितना मानेंगे, वन यूनिट मानेंगे, समझते रहिए, ये कितना मानेंगे, वन यूनिट। अभी देखिए 45 डिग्री के सामने के ये जो वैल्यू है, ये पोर्शन है कितना है, वन यूनिट, तो ये 45 के सामने अगर ये वन यूनिट है तो ये भी 45 है, और इसके सामने की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपकी वन यूनिट, समझते रहिए, ये अगर डिस्टेंस 45 के सामने ये जो डिस्टेंस है अगर ये वन यूनिट है तो इस 45 से हमने ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, वन यूनिट, समझते रहेंगे। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी हो तो ये वन यूनिट, तो ये वन यूनिट, तो ये कितनी बनेगी, ये पोर्शन बनेगा रूट टू यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन कितना बनेगा, रूट टू यूनिट, ओके। आगे देखते हैं, अब अपन इस बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे, तो ट्रायंगल ए बी सी में ये बड़े वाले के सामने, समझते रहेंगे, ये बड़े वाले साइड के सामने ये जो साइड है पूरी कितनी है, वन यूनिट, ये ट्रायंगल 30 डिग्री के सामने, इस 30 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो ये वन यूनिट, तो आप बताइए ये एंगल कितने का होता है, 90, ये 30, 90, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन कितने का बनेगा, आप बोलोगे 60 डिग्री का, ओके। अगर 30 डिग्री के सामने ये पूरी वैल्यू कितनी है, वन है, तो ये 60 के सामने ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी कितनी, रूट थ्री, कितनी वैल्यू हो जाएगी, रूट थ्री। अगर ये 30 के सामने पूरी वैल्यू कितनी है, वन यूनिट, तो ये 60 के सामने पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट थ्री यूनिट। और आपको पता है कि ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपन ने लिया है, ये वन यूनिट है, और ये पूरी वैल्यू रूट थ्री यूनिट है, तो इतना पोर्शन क्या बनेगा, रूट थ्री माइनस वन, समझ पाए, ये क्या बनेगा, रूट थ्री माइनस वन। ये पहला केस मैंने आपको बताया, चलिए दूसरा केस देखते हैं, मैं दूसरा केस आपको बताता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझते रहेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री, और जैसे मैं आगे बढ़ा यहाँ से ये एंगल आपका बन गया 60 डिग्री, समझते रहेंगे, ये ए बी सी डी, ओके। यहाँ पे देखेंगे, पहले छोटे ट्रायंगल में सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल किस में, ए बी सी में, ए बी सी में। अब यहाँ पे देखो ये 60 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये डेफिनेटली हमेशा कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, और 60 90, तो ये एंगल क्या बनेगा, 30 डिग्री, क्या बनेगा, 30 डिग्री। सबको पता है कि 30 डिग्री के सामने, समझते रहना, ये वाले डिस्टेंस परपेंडिकुलर के साथ करेक्टेड डिस्टेंस 30 के सामने ये है, और इसकी वैल्यू मैंने कितनी मान ली, इसकी वैल्यू मैंने मान ली 1, ये हमेशा आप ये डिस्टेंस 1 यूनिट की मानिएगा, तो ये कितना आ गई, ये आ गई आपकी 1 यूनिट, समझते रहेंगे। अगर 30 के सामने 1 यूनिट, तो 60 के सामने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बनेगी, तो आप बोलोगे रूट थ्री यूनिट, तो ये कितनी बनेगी, ये बनेगी रूट थ्री यूनिट, समझते रहिएगा, ठीक है। अब मैंने ये छोटू ट्रायंगल सॉल्व कर लिया, बड़े ट्रायंगल में देखते हैं, तो बड़े ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ए बी डी में, अब ए बी डी में ये कितना है पोर्शन, ये आपका है 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने कितनी साइड दिया है, रूट थ्री, 30 डिग्री के सामने साइड कितनी दिया है, रूट थ्री, तो ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री के सामने रूट थ्री, तो 60 के सामने आपको पता है क्या होता है, ये बनेगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री, क्योंकि अगर 30 के सामने 1 होगी साइड, तो 60 के सामने कितनी होगी, रूट थ्री होगी, लेकिन यहाँ ऑलरेडी रूट थ्री है, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या बनेगा, ये आएगा आपका 3। तो ये पोर्शन अगर आपका 1 यूनिट, तो इतना पोर्शन आपका कितना बन जाएगा, 2 यूनिट, ठीक है, वो समझ पा रहे होंगे। चलिए ये दूसरा मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया, और एक तीसरा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूँ,
नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये है ए बी सी, समझते रहे ए बी सी, ठीक है। ये एंगल हमने ले लिया 45 डिग्री, एंगल सी क्या है 45 डिग्री, और मैं यहाँ पे कोई एंगल ले लेता हूँ, ये वाला पोर्शन आपका कितना बन गया 60 डिग्री, देखते रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये छोटे ट्रायंगल में देखते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ डी, यानी कि एंगल ए बी डी में, एंगल ए बी डी में अगर ये 60 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डेफिनेटली ऊपर का पोर्शन क्या होगा, दैट विल बी 30 डिग्री, ओके। और मैंने क्या कहा था कि ये परपेंडिकुलर के पास की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप हमेशा 1 यूनिट मानिए, तो इसको हम लोग मानते हैं दिस इज 1 यूनिट, कितनी है ये 1 यूनिट। अगर 30 के सामने 1 यूनिट तो 60 के सामने क्या बनेगा, आप बोलेंगे √3 यूनिट, ये बनेगा √3 यूनिट, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब ये पोर्शन देखते हैं कौन सा, ये ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में ये जो कि यहाँ पे पोर्शन कितना है 45, ये 45 है, और 45 ये पोर्शन है, तो ये पोर्शन पूरा कितना बनेगा, आप बोलोगे कि ये भी 45 डिग्री बनेगा, क्यों 45 45, 90 90 180 बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 45 के सामने कितना है पोर्शन √3, 45 के सामने क्या है पोर्शन √3, तो ये एंगल 45 और इसके सामने पूरा पोर्शन कितना बन जाएगा, ये बनेगा √3, समझ पाए, ये कितना बनेगा √3। अब ये पूरी लेंथ सीधी जो लेंथ है ये कितनी है √3, तो सीधी लेंथ कितनी होगी, अब पूरे दिशा में हमें एक यूनिट घटाना पड़ेगा, तो ये लेंथ कितनी आएगी √3 - 1 यूनिट, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आएगी √3 - 1 यूनिट, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लें या फिर वो स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है। आगे मैं आपको दो चीजें बताता हूं करके, एक है एलिवेशन एंगल, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल क्या होते हैं उन्नयन कोण, और दूसरा होता है डिप्रेशन एंगल, दूसरा होता है डिप्रेशन एंगल यानी कि अवनमन कोण, अवनमन कोण, समझते रहिएगा, दोनों पोर्शन समझते हैं क्या होता है दोनों पोर्शन, जैसे ही आपकी आई है समझते रहिएगा, ये क्या है आपकी आई है, ये क्या है आपकी आंख, ये आपकी आई, आई के बिल्कुल समांतर लाइन पे रखिएगा, आई एक समांतर लाइन पे है, और इस समांतर लाइन से आंख आप उठा के कोई चीज देखेंगे, जैसे यहाँ पे कोई भी चीज है, ये मान लेते हैं एक टावर है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, अगर आप आंख, ये आपकी आंख है और आप उठा के देखते हैं, तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है थीटा, यही एंगल कौन सा एंगल होता है उन्नयन कोण, समझते रहिएगा, यही एंगल क्या हो जाएगा उन्नयन कोण, आप देखते रहिएगा। अब अगर इसी चीज को हम आंख, ये हमारा प्लेन है, एकदम प्लेन है करके मैं से उठा के देख रहा हूँ, तो ये कौन सा बन जाएगा उन्नयन कोण, अगर मैं नीचे करके यही देख रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा अवनमन कोण, यही आपको मैं अगर नीचे करके देखता हूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है मान लेते हैं फाई, तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा क्या बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब एक प्लेन से नीचे को देखना अवनमन कोण, और ऊपर को देखना ये क्या हो जाता है उन्नयन कोण, ठीक है। एक खास बात और, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ फटाफट देखता हूँ, ये क्या है प्लेन है, समझते रहेगा प्लेन है, अगर यहां से बोला जाए ये मान लो ग्राउंड है, कुछ भी है, समतल है, ये समतल है, और ये मीनार है या खंबा है, यहां से बोला जाए कि भैया इसका अवनमन कोण कितना है, समझते रहिएगा, इसका बोल दिया जाए अवनमन कोण है 60 है, तो आपको अवनमन कोण कैसे बनाना होता है, ये जो एंगल यानी कि ये जो पोर्शन आ रहा है, ये एंगल आपका क्या बनेगा 60 है, अवनमन कोण बोलेगा 60 है, तो ये आपको इस तरह एंगल बनाना है 60 है, तो आपको पता है कि ये एंगल वो है क्या है, ये एंगल 60 डिग्री, तो आपको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों, समझते रहेंगे,
दो पैरेलल लाइंस हों, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। तो कभी भी अनवन कोण 60 हम देने का मतलब है कि आपका जो ये उन्नयन कोण बनेगा ये भी कितना बनेगा, 60 डिग्री। ओके चलिए, तो बस यही छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनके बाद जो है मैं आपको अब क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, इनको मैं मिटाता हूँ और कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, मैं लिख देता हूं। एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया इसकी ऊंचाई की ऊंचाई का रूट तीन गुना है, ऊंचाई का रूट तीन गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया इसकी ऊंचाई का रूट तीन गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, उन्नयन कोण क्या होगा। आपके ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट वन इज 15 डिग्री, सेकेंड वन इज 30 डिग्री, थर्ड वन इज 45 डिग्री एंड लास्ट ऑप्शन इज 60 डिग्री। ओके ठीक है, क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर टावर, ऊर्ध्वाधर टावर कैसे बनाएंगे, ये ऊर्ध्वाधर टावर होंगे, ऊर्ध्वाधर माने परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबवत। एक ऊर्ध्वाधर टावर है, टावर है और इसकी साइड मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे सूरज निकला है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये सूरज निकला है और ये टावर है, तो इसकी सावक छाया कहाँ पे बनेगी, जहाँ से ये रे पास होगी, इस तरह से रे आएगी, तो इसकी छाया कैसे बनेगी, इसकी छाया यहाँ पे आएगी, क्योंकि भाई रे ऐसे आएगी तो छाया कहाँ पे बनेगी, टावर के इस साइड में छाया बनेगी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर टावर की छाया इसकी ऊंचाई का, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी, मान लेते हैं ये एक यूनिट है ऊंचाई, इसकी ऊंचाई का, ऊंचाई कुछ तो दिया नहीं है, तो नहीं दिया तो इसको क्या मान लेते हैं, एक यूनिट, तो इसकी ऊंचाई का तीन रूट तीन गुना है, तो छाया यहाँ पे बनेगी, ये बनेगी, तो ये कितना आएगा, रूट थ्री। अब आपसे पूछा है कि भैया सूर्य का उन्नयन कोण ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ठीक है, इसके सामने ये क्या होगा, थीटा के सामने ये एंगल ये क्या हो जाएगा, लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो ये लंब आपको दिया है, आधार दिया है, तो इसमें कौन सा थीटा मैं लगा दूंगा, तो मैं बोलूं कि टैन थीटा, तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आधा लंब बटे आधार, तो लंब एक है आधार तीन है, तो लंब बटे आधार 1/√3, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भैया थीटा इक्वल टू टैन थीटा की वैल्यू 1/√3 कितना डिग्री पे होती है, तो सबको पता है कि दैट इज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि सी नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस बहुत बार एग्जामों में बने हैं और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैंने उठाए, ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बिटालता हूँ मैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है 1.2 मीटर लंबी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर एक 1.3 मीटर लंबी एक लड़की सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख रही है, दीवार के ऊपर से देख रही है या देख सकती है, देख सकती है, जो उससे 2.42 मीटर दूर है, जो उससे 2.42 मीटर दूर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण क्या होगा या उन्नयन कोण बताइए, ये क्वेश्चन है। और देखिए आपके ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 30 डिग्री,
थर्ड ऑप्शन इज 75 डिग्री एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन यू 45 डिग्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो आप क्या करें, देखिए एक बात बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब आपकी आदत हो गई होगी कि बिना डायग्राम के सॉल्व भी नहीं होता होगा, ठीक है। अगर आप बिना डायग्राम भी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए इसको बताइए, मैं आपको कुछ 5 सेकंड देता हूँ। 5 सेकंड क्या, चलिए 5-6 सेकंड दे देता हूँ। फटाफट बनाइए, आंसर क्या होगा फटाफट। सत्ता हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं करके। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, ये क्वेश्चन है भैया एक तो लड़की है, ये लड़की है, ठीक है, ये मान लेते हैं लड़की है। लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। इतनी लंबी लड़की है, सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर देख रही है। मान लेते हैं ये एक दीवार नहीं होगी, समझते रहना, ये दीवार है। दीवार कितनी है, 3.62 मीटर। अभी इसको ऐसे देख रही होगी, ऐसे देख रही होगी, और यहाँ पे सूरज होगा, समझ लेना। यहाँ पे क्या होगा, ये सूरज होगा, ये दीवार के बगल से इसको सूरज को देख रही होगी। और ये क्वेश्चन क्या बताया, ये क्या बताइए भैया, इसकी डिस्टेंस कितनी, जो उससे 2.4 मीटर, इससे जो है 2.42 मीटर की दूरी पे है, 2.42 मीटर की दूरी पे है। यानी कि ये जो आपकी दीवार है, ये दीवार है, दीवार से इस लड़की के बीच की दूरी कितनी दिया है, ये दिया है 2.42 मीटर। समझते रहेंगे भाई, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताओ, ये अगर 2.42 मीटर है, मैं इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँ, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी आपका 2.42 मीटर, यही होगा, समझते रहना। अब ये लेंथ 1.2 है, तो ये पूरी लेंथ कितनी बनेगी, यहाँ से यहाँ पे लेंथ 1.2 मीटर, ये भी बनेगी, समझते रहिएगा। अब ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ है 3.62, और कितनी लेंथ है 1.2 मीटर, तो ये लेंथ कितनी बनेगी, तो आप बोलेंगे 2.42 मीटर, समझते रहिएगा। तो ये क्वेश्चन कितना बनेगा, 2.42 मीटर। अभी देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें किसका दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, तो हम टैन थीटा नहीं लगाएंगे, तो टैन थीटा बराबर क्या होते हैं, लंब बटे आधार। ये 2.42, लंब कितना है 2.42, आधार कितना है 2.42, तो यहाँ पे क्या बनेगा, टैन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू क्या बनेंगे, 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ओके। चलिए इसको बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वही हो गया, ओके। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पतंग, क्वेश्चन में आपको पतंग वाले क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसके साथ जुड़ा हुआ धागा, जिसके साथ जुड़ा हुआ धागा सीधा तना हुआ है, या तना हुआ माना जा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन की भाषा हो सकती है, और समतल भूमि के साथ, 60 अंश का कोण बनाता है,
और समतल भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, तो आपको बताना है धागे की लंबाई क्या होगी। धागे की लंबाई क्या होगी, आपके ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है 140 मीटर, सेकंड ओके सेकंड ऑप्शन है 139 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 142 मीटर एंड लास्ट ऑप्शन इज 138 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने शायद इस तरह के क्वेश्चन किए भी होंगे। चलिए बनाएंगे, ठीक है। बनाइए, चलो आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। चलो भाई बनाते रहिए। चले बनाए भाई, कितना आंसर आया? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये पतंग है, ये पतंग इस तरह की होती होगी, ये पतंग है, ये पतंग है, ठीक है। ये पतंग उड़ रही है और बोल रहे इसका जो स्ट्रिंग है, धागा है, वो एकदम तना हुआ है। धागा है, तना हुआ है, ये तना हुआ है। और ये जो ग्राउंड से, ये ग्राउंड से कितनी ऊपर ऊपर है? ग्राउंड से बोल रहे हैं 123 मीटर इसकी ऊंचाई पर, ठीक है ओके। और बोल रहा है कि ये जो समतल भूमि है, समतल भूमि से ये कितना एंगल बना रहा है? ये 60 डिग्री का एंगल है। तो ये 60 डिग्री का है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो ये एंगल तो डेफिनेटली आपका 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल आपका कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे 30 डिग्री, ठीक है, समझते रहिएगा। कितना बनेगा? 30 डिग्री। मैंने आपको ये बताया था करके, ये देखो अगर ये कॉम्बिनेशन किसका बन गया, 30 60 90 30 60 90। अगर 30 डिग्री के सामने ये लेंथ की 1 यूनिट है, तो 60 के सामने कितनी हो जाएगी? हाँ भाई यहाँ पे देखेंगे, 60 के सामने ऐसे कर लीजिए, 60 के सामने ये लेंथ कितनी है? 123 यूनिट है। 60 के सामने 123 यूनिट है, तो 30 के सामने कितनी बनेगी? सबको बता रहा है 123 बाई रूट 3 बनेगी। क्यों? ये वैल्यू कितनी होती है? ये आपको सबको पता है कि रूट 3 होती है ये, तो ये वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये पूरी वैल्यू कितनी होती है? 1। और रूट 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 123। तो 1 यूनिट की कितनी होगी? तो 123 बाई 3। समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? 60 के सामने अगर रूट 3 है, तो 30 के सामने कितनी होगी? 1 होती है। और यहाँ पे रूट 3 है, तो रूट 3 की वैल्यू 123 मीटर दिया है। अगर रूट 3 की वैल्यू 123 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? रूट 3 यूनिट की वैल्यू 123 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 123 बाई रूट 3 बनेगी। चलिए ये बनेगी कितना? ये आपकी बन जाएगी 123 बाई रूट 3। समझते रहिएगा, अगर मैं रूट 3 रूट 3 को मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये क्या बनेगा? 3 3 6 12 41 रूट 3। ये क्या बनेगी? 41 रूट 3। और सबको पता है कि 30 60 90 का कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? 1 रूट 3 2। अगर एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल लिया 41 रूट 3, तो यहाँ पे 90 के सामने कभी 30 60 90 का कॉम्बिनेशन में 90 के सामने क्या होता है? 2 यूनिट। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 41 रूट 3, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी? ये बनेगी 82 रूट 3। ये क्या बनेगी? 82 रूट 3। अब 82 रूट 3 को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। 82 इंटू, आपको पता है कि रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। अब यहाँ पे देखिए, अप्रोक्सीमेटली आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऑप्शन बहुत क्लोज है। देखिए अगर मैं इसको मान लूँ 17 17 गुणी 34 17 17 136 नहीं, पूरा कैलकुलेट कराना पड़ेगा। चलिए इसको कैलकुलेट कराएंगे कि अप्रोक्सीमेटली 140.02 के लमसम आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं पूरा मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये 142.08 के आसपास आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपके हाथ में, आप कॉन्सेप्ट देखिए।
चलिए, होप आपको समझ में आ रहा होगा, सो कर लीजिए। हो गया भाई, चले भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 4, ओके बॉस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, करते जाइए मेरे साथ। दो भवन जिनकी ऊंचाई क्रमशः, दो भवन जिनकी ऊंचाई क्रमशः 53 मीटर और 117 मीटर एवं उनके तीर्थों की दूरी 136 मीटर है, ठीक है। दो भवन है जिनकी ऊंचाई क्या है 53 मीटर, 117 मीटर और उनके तीर्थों के बीच की दूरी 136 मीटर है, तो दोनों भवनों के पादों की दूरी क्या होगी। दोनों भवनों के पादों के बीच की दूरी क्या होगी और आपके ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज 100 मीटर, सेकंड ऑप्शन गिवन है 120 मीटर, थर्ड ऑप्शन इज 125 मीटर एंड लास्ट ऑप्शन इज 108 मीटर। चलिए क्या होगा, आपको मैं कुछ टाइम दे सकता हूँ 5 सेकंड, फटाफट बनाइए ये कितनी होगी लेंथ आपकी। ठीक है, बन गया भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है। अभी देखिए दो भवन है, मैं मान लेता हूँ एक छोटू सा भवन होगा एक बड़ा सा भवन होगा, दो भवन हो गए, एक ये भवन, इसकी हाइट कितनी दे दिया है, दिस इज 53 मीटर, ये कितनी है 53 मीटर और ये कितनी है 117 मीटर, और ये बोल रहे हैं कि दोनों के तीर्थों के बीच की दूरी कितनी है, ये विज्ञान कितने दे दिया है, ये दे दिया 136 मीटर, ठीक है, ये कितनी है 136 मीटर, समझ करिएगा। तो आपको बताना है भाई इनके आधार के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, ये दूरी क्या होगी। ओके, तो जितनी दूरी ये होगी भाई मेरे उतनी ही दूरी ये वाली होगी, समझते रहिएगा। तो अगर ये 53 मीटर है तो ये कितना बनेगा, ये भी आपका 53 मीटर बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 53 मीटर बन जाएगा। ओके, अगर ये 53 है और टोटल यहाँ से यहाँ तक 53 है और पूरी 117 है, तो ये कितना बनेगी, ये आप बोलोगे 4 और ये बनेगी 11 में से नहीं, ये क्या बनेगी 64 मीटर, ठीक है, ये क्या बनेगी 64 मीटर, समझते रहिएगा। अब ये छोटू, हमें क्या करना है, ये लेंथ निकालना है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, ये पोर्शन निकालना है। मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बाहर सॉल्व करके दिखाता हूँ भाई। मेरे ये पोर्शन आपका कितना है, ये 136 मीटर और ये 64 मीटर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चेक कर लेते हैं क्या कोई ट्रिपलेट तो नहीं काम कर रहा है। ठीक है, देखो 17 8 136, समझते रहिएगा, 17 8 136 ये होता है 64, 8 28 64, ये होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 17 8 किसका ट्रिपलेट बनता है, तो आप बोलोगे 15 का, तो 15 8 कितना बनेगा 120, समझते रहे ना भाई, ये ट्रिपलेट ही तो है। अगर मैं इसे काटूं तो ये कितना आ जाएगा, 8 से काटूं तो ये कितना आ जाएगा 8 28 64,
अगर इसको 8 से काटूं तो 17 8 136 17 आ जाएगा। तो 17 8 के साथ एक राइट एंगल में किसका डिफरेंस बनता है, तो आप बोलोगे 15 का। तो ये जो है लेंथ कितनी हो गई 15। अब देखो सब में 8 का मल्टीपल है, यानी कि 136 का मतलब 17 गुणे 8 64, वो 8 का मतलब 8 गुणे 8 तो 15 यूनिट में, यहाँ पे भी 8 का ये मल्टीपल होगा और 15 8 120 मीटर। तो इनके जो पादों की बीच की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 120 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक खंभा उस सड़क पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा है, ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा है जो जो पूरा पश्चिम में जाती है, जो सड़क क्या है पूरा पश्चिम में जाती है। आगे है सी क्यू खंभे के पश्चिम में स्थित दो ऐसे बिंदु हैं कि PQ इज इक्वल टू D और PQ खंभे के उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। तो खंभे की ऊंचाई बताना है आपको, तो खंभे की ऊंचाई ये आपको निकालना है, खंभे की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑप्शन में दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन इसका गिवन है बी बाई टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। सेकंड ऑप्शन है इसका बी टैन अल्फा बाई टैन बीटा। थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बी बाई टैन बीटा प्लस टैन अल्फा। और लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन का गिवन है बी बाई cot बीटा माइनस cot अल्फा। चलिए बताइए, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, ये 9th और 10th का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप याद कर लेते थे जब हम लोग 9th 10th में थे, तो गुरु जी हमको याद कराते थे ऐसे क्वेश्चन। तो आप लोग भी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन याद किए होंगे। ठीक है, ये एक फार्मूला जैसा ही है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको याद होगा। चलिए मैं आपको कुछ टाइम दे देता हूँ, फटाफट सॉल्व करके बताइए कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। बनाइए फटाफट, मैं आपको बनाता हूँ दिखाता हूँ भैया। मेरे ये रोड होगी, ठीक है, ये क्या है, ये रोड है, ये कौन सी है,
पूरा पश्चिम में जा रही है, समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक खंभा है, ये खंभा रहा होगा, ये खंभा है, खंभा है, और ये खंभा से दो बिंदु, एक सेकंड भाई, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। चलिए, एक खंभा उस तार पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा है जो पूरा पश्चिम में जाती है। पी क्यू खंभे के पश्चिम में स्थित दो ऐसे बिंदु है, एक बिंदु है पी, समझते रहिएगा, एक बिंदु क्या है पी और एक बिंदु क्या है क्यू। दो ऐसे बिंदु हैं कि पी क्यू खंभे, हाँ सॉरी, ऐसे दो बिंदु है कि पी क्यू, पी क्यू बराबर क्या है बी, ये लेंथ आपको कितना दे दिया है पी क्यू, कितना दे दिया है बी, और पी क्यू के खंभे के उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है, ठीक है, यानी कि ये एंगल ये दे दिया है आपको और एक एंगल ये दे दिया है, एक पोर्शन क्या दे दिया है आपको अल्फा और एक पोर्शन क्या दे दिया आपको बीटा, समझते रहेगा, ठीक है भाई। और ये देखो आपका क्या है, खंभा है, खंभे की हाइट अपन कितना मान लेते हैं एच, खंभे की हाइट कितना मान लेते हैं एच, तो यहाँ पे मैं टैन अल्फा निकालू, समझते रहेगा, यहाँ पे मैं टैन अल्फा निकालू, नाम दे देता हूँ पी क्यू आर, यहाँ पे एच, समझते रहेंगे, अगर मैं टैन अल्फा निकालू तो टैन अल्फा बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा एच अपान, ये क्या बनेगा पी आर, क्या बनेगा एच अपान पी आर। अगर मैं यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालू तो पी आर इक्वल टू क्या बनेगा एच, ये क्वेश्चन जो पी आर ये बटे में आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा एच कॉट अल्फा, ये बनेगा, समझते रहेगा। अब मैं इस आर, सॉरी एस आर क्यू, एस आर क्यू, एस आर क्यू में देखूं तो एस आर क्यू में यहाँ पे देखूं मैं तो ये टैन बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, आप बोलोगे H by, ये क्या बनेगा QR, H by कितना बनेगा QR, समझते रहेगा। अगर मैं बोलूं कि QR क्या होगा, QR बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे QR equal to H cot beta होगा, कितना होगा H cot beta, अब समझते रहेगा। अब मैं इस पोर्शन से इस पोर्शन को घटा दूं, यानी कि इस पूरे पोर्शन से इतना पोर्शन घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा B, यानी कि मैं कह सकता हूं भाई H cot beta माइनस एच cot alpha इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको b, क्या मिलेगा आपको b। अगर मैं यहाँ से h कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा cot beta माइनस cot alpha किसके बराबर है b के, तो यहाँ से मैं बोलूँगा h इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे b by cot beta माइनस cot alpha, h इक्वल टू क्या वैल्यू आई b by cot beta minus cot alpha, तो cot beta minus cot alpha आपका राइट आंसर कौन बनेगा ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि 4th है, ओके। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एक बिंदु P से क्वेश्चन है, एक बिंदु P से भाई आपको लिखा मेरी राइटिंग से समझ में आ रही है ना, बस समझेंगे, एक बिंदु P से एक टावर, एक टावर का उन्नयन कोण, का उन्नयन कोण ऐसा है कि इसकी इसकी स्पर्शजा एक्चुअली टेंजेंट को कहते हैं, टैन थीटा को कहते हैं, ये स्पर्शजा माने टेंजेंट, इसकी स्पर्शजा 3/4 है, समझते रहिएगा, स्पर्शजा 3/4 है। क्वेश्चन आगे है, टावर की ओर
काबर की ओर 560 मीटर 560 मीटर चलने पर टावर के उन्नयन कोण की स्पर्शजा 4/3 हो जाती है 4/3 हो जाती है। तो आपका क्वेश्चन है टावर की ऊंचाई क्या होगी। चलिए आपके क्वेश्चन ये है, आपके ऑप्शंस क्या गिवेन है, आपको पहला ऑप्शन गिवेन है 720 मीटर है, सेकेंड ऑप्शन इज 960, थर्ड ऑप्शन आपको गिवेन है 840 और लास्ट ऑप्शन दिया है आपको 1000 मीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपने 10th और 12th में देखे होंगे कभी। चलिए इसको बताइए फटाफट कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है भाई, ओके चले बनाए बनाया आपने सॉल्व करके फटाफट। देखिए एक बिंदु P से एक टावर के मेन कोण से इसकी स्पर्शजा कितनी है समझते रहिए। ये टावर है, ये बिंदु कितना है, ये बिंदु अपन मान लेते हैं कौन सा P, ये बिंदु P है समझते रहिएगा, ये P है और ये क्या है अपना टावर, ये बिंदु क्या है P और ये क्या है टावर, और P से इस टावर के उन्नयन कोण की स्पर्शजा दिया है, उन्नयन कोण की स्पर्शजा यानी कि उन्नयन कोण का जो टेंजेंट होता है टेंजेंट की वैल्यू कितना दे दिया है tan थीटा इक्वल टू 3/4। इसको मैं मान लेता हूं कि ये अल्फा है, समझते रहिएगा ये अल्फा है, और tan थीटा क्या होते हैं लंब बटे आधार, तो अगर ये पोर्शन आपका तीन भाग है समझते रहिएगा, tan थीटा कितना दिया है 3/4, अगर ये पोर्शन आपका 3 पार्ट है तो ये पूरा पोर्शन आपका कितना बनेगा 4 पार्ट, समझते रहिएगा। फिर क्वेश्चन भी कह रहा है कि यदि टावर की ओर 560 मीटर चलने पर, टावर की ओर हम कितना चल रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है इस साइड में 560 मीटर आए, जैसे अपन यहाँ पे 560 मीटर आए मान लेते हैं कोई बिंदु Q पे पहुंच गए, 560 मीटर आए और बिंदु Q पर पहुंच गए, तो कह रहा है कि जो टावर से इसकी स्पर्शजा बन रही है ये tan थीटा बन रहा है, यहाँ पे नया ये मान लेते हैं tan phi है, समझ करिए tan अल्फा ही tan थीटा मान लेते हैं, tan अल्फा है यहाँ पे tan थीटा मान लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू कितना दे दिया है स्पर्शजा कितने दे दिया है दैट इज 4/3 समझते रहिएगा। 4/3 का मतलब अगर ये पोर्शन 4 है तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, यहाँ से ये पोर्शन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझते रहेंगे ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिल गई, इस एंगल के साथ अगर ये पूरा 4 है तो ये पूरा 3 है, अगर यहाँ इस एंगल के साथ ये 3 है तो ये पूरा पोर्शन कितना दे दिया आपको 4, तो आपके पास दो चीजें आ गई 3 और 4, तो जब ऐसे केसेस बनते हैं तो आपको 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 3-4 का एलसीएम, तो 3-4 का एलसीएम कितना आएगा 12, समझते रहिएगा 3-4 का वैल्यू कितना आएगा 12, अगर 3 की वैल्यू कितनी है 12 है समझते रहेंगे, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 16, समझते हैं ठीक है भाई, हमने 3 और 4 का एलसीएम ले लिया, 3-4 का एलसीएम कितना आया 12, तो हमने क्या कहा कि अगर 3 भाग की वैल्यू अगर ये 12 है तो ये 4 भाग है, तो 4 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और 3 भाग की वैल्यू कौन हो गई 3 × 12, नहीं 3 भाग की वैल्यू 4/3, तो 3 भाग की वैल्यू ये कितनी आएगी 9 आएगी, बिल्कुल ये कितना आएगी 9, क्योंकि ये थीटा के साथ है और थीटा वाला आपको 3/4 दिया है, एक्चुअली आप कंफ्यूज मत हो ऐसे लिख दीजिए,
ये कितना दिया है 3/4 और ये कितना दिया है 4/3, समझते रहना। एलसीएम कितना आएगा 12, मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करा दूं 4 का और यहाँ पे क्या रहेगा 4, ठीक है समझते रहेंगे। ये हो गया, ये तीन भाग कितना हो गया, थीटा वाला है हमने जो शुरू में लिया, ये अल्फा वाला है, अल्फा वाला 3/4 है। यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे फिर से लिखेंगे अल्फा इक्वल टू कितना है 3 बटे में पूरा कितना है 4, हमने क्या लिख लिया 3/4 ये लिख लिया। और यहाँ पे देखेंगे थीटा कितना है, थीटा कितना दिया है, ये दिया है 4/3, 4/3 एलसीएम कितना आएगा 12, तो 3/4 को मुझे क्या करना है, 3 को मुझे 12 बनाना है, तो इंटू चार करना पड़ेगा, तो 3 × 12 यही 12, ये पूरा क्वेश्चन कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 12 भाग, समझते रहिएगा ये 12 भाग, और इस 3 के साथ मैंने क्या लिया था यहाँ पे 4, तो 3 भाग की वैल्यू 12, तो 4 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा क्वेश्चन 16 हो जाएगा। अब थीटा में देख लीजिए, ये थीटा वाला पोर्शन है, ये अल्फा का पोर्शन है और ये थीटा का पोर्शन है, समझते रहिएगा। मुझे 12 बनाना क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 ऊपर तो इंटू 3 नीचे, तो 3 × क्या हो गया 12, यानी कि यहाँ पे 4 भाग की वैल्यू कितनी हो रही है 12, 4 भाग की वैल्यू 12 हो रही है, समझते रहिएगा। तो 3 भाग की वैल्यू कितनी होगी, थीटा में 3 भाग की वैल्यू 9, पूरा पोर्शन 16 है और इतना पोर्शन आपका कितना है, इतना पोर्शन 9 है, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा 7, ये पोर्शन कितना हो जाएगा 7, 9, ये 9 और 7 कितना हो गया 16, समझते रहिए। ये 4 भाग मैंने निकाला था, ये कितना था 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट था, समझते रहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये पोर्शन कितना है, 7 भाग है, ठीक है ये 7 भाग है, और 7 भाग की वैल्यू कितनी हो रही है 56, यहाँ से निकालेंगे 7 यूनिट की वैल्यू 560, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये कितना होगा 8×56 80 मीटर आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 80 मीटर, तो टावर की जो हाइट है वो कितनी है 12 भाग या 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12×80, तो 12×98, तो ये कितना बनेगा 960 मीटर, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर क्या है सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है इसको सॉल्व करें आप लोग। ठीक है चले आगे बढ़े, क्वेश्चन को 3 शॉट ले लीजिए या सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अगला क्वेश्चन है, एक 135 मीटर ऊंचे टावर से दो बिंदुओं पी एवं क्यू जो टावर के एक ही ओर टावर के एक ही ओर स्थित है के अवनमन कोण क्रमशः थीटा तथा पाई है, थीटा तथा पाई इस प्रकार है कि टैन थीटा इज इक्वल टू 3/4, समझते रहेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू 3/4 और
साइन फाइ इज इक्वल टू, साइन फाइ इज इक्वल टू फाइव बाई रूट 89। तो बिंदुओं पी एवं क्यू, पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होगी, पी एवं क्यू के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आपके ऑप्शन क्या गिवन है। पहला ऑप्शन दिया है 32 मीटर, सेकेंड ऑप्शन इसका दिया है 40 मीटर, थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है 36 मीटर, एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन 42 मीटर। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा सा जो अभी बताया था वहां पे लास्ट टाइम ये टेंजेंट, दोनों टेंजेंट की वैल्यू दिया था, लेकिन यहाँ पे टेन थीटा के साथ साइन फाइव दिया है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ट्राई के लिए बताइए मुझे फटाफट। चलिए स्टार्ट करिए आप लोग सॉल्व करना। बन गया, चलिए सॉल्व करते हैं इसका। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझते रहिएगा। ठीक है, टावर, ये टावर है और ये टावर है, टावर के एक ही साइड में दो बिंदु है, टावर के एक ही साइड में दो बिंदु है, एक ही ओर है, और इनके अवनमन कोण क्या दिया है, एक थीटा दिया है और एक फाई दिया है, समझते रहिएगा। इसका मैं अवनमन कोण निकालता हूँ, इसका अवनमन कोण निकालता हूँ। ठीक है, चलिए अवनमन कोण निकालता हूँ। तो ये जो है ये क्या बोल रहा है, पहले कितना दिया है थीटा, तो ये पोर्शन आपका कितना है थीटा। तो ये देखिए ये स्टैंडर्ड लाइन होगी भाई, ये लाइन स्टैंडर्ड लाइन होगी, ये थीटा है तो ये इसका अल्टरनेटली एंगल कितना होगा, अल्टरनेट एंगल क्या होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, समझते रहिएगा। और दूसरा एंगल क्या दिया है, दूसरा एंगल आपको दिया है फाइव, दूसरा एंगल कितना दे दिया है फाइव, यानी कि ये एंगल इसका अवनमन कोण कितना है फाइव। तो आपको पता है कि अवनमन कोण अगर ये वाला एंगल फाई है तो इसका अल्टरनेट एंगल जो है ये भी कितना बन जाएगा फाई, ये बन गया फाई। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है साइन फाई, तो साइन फाई की वैल्यू दिया है 5/√89। और साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि ये बाई ये लंब बटे कर्ण। तो मैं इसका बेस निकालूं, तो इसका बेस यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो मैं इसका आधार निकालूं, तो आधार क्या बनेगा, इसका स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 × 25 89 में से 5 घटाएंगे, 5 × 25 घटाएंगे 2 4, ये कितना आ जाएगा 64, तो 8 × 8 64। यानी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भैया टैन फाई क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5/8, समझते हैं ना भाई, टैन फाई कितना बन जाएगा 5/8। तो अगर ये पोर्शन आपका 5 है, समझते रहेंगे, ये पोर्शन 5 है, तो ये पूरा पोर्शन आपका कितना बन जाएगा 8 यूनिट, ये पूरा पोर्शन कितना बन जाएगा 8 यूनिट। अब यहाँ पे देखते हैं करके थीटा की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू आपको कितना दिया है 3/4, तो ये पोर्शन आपका अगर 3 होगा, ये पोर्शन आपका 3 होगा, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा आपका 4 यूनिट, समझते हैं 4 यूनिट। अभी देखिए यहाँ पे 5 यूनिट भी 3 यूनिट, हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, समझते रहेगा। फाई के साथ दिया है, टैन फाई के साथ दे दिया है कितना 5/8, और टैन थीटा के साथ कितना दे दिया है, टैन थीटा इज इक्वल टू 3/4, समझते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, अब ये 5 3, ये देखो यहाँ पे 5 मिला, एक कितना मिला 3 मिला, 5 3 को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो 5 3 का एलसीएम कितना आएगा 15, 15 के लिए मुझे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए कितना आया आपका, ये यहाँ पे कितना आएगा, ये पोर्शन आपका टोटल 15 हो गया, तो ये पोर्शन आपका हो गया 15 भाग, ये कितना हो गया आपका 15 भाग। अगर ये 15 भाग है तो ये पूरा भाग कितना होगा 8 3 24, तो ये पूरा पोर्शन कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 24 भाग, समझ पा रहे हैं, ये 24 भाग। अब ये वाला थीटा वाले फॉर्म में देख लेते हैं, ये 3/4 है, तो अगर मैं यहाँ पे टैन थीटा के साथ कितना लिखा है 3/4, मुझे ये 15 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इनटू 5, तो यहाँ पे भी इनटू 5 ये बनेगा, तो ये 4 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 4 × 5 = 20, ये पूरा पोर्शन आपका कितना मिल जाएगा 20, ये कितना मिलेगा 20,
ये पूरा पोर्शन आपका कितना है 24 और यहां से यहां तक का पोर्शन कितना है 20, तो ये पोर्शन आपका कितना बन जाएगा 4 यूनिट। समझते रहिए, ठीक है। अब आपको बताना है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये पोर्शन यानी 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है। अच्छा, ये टावर की हाइट कितनी दिया है, ये पूरा पोर्शन आपको 135 मीटर दिया है। कितना दिया है 135, और ये है कितना 15 यूनिट, ये है कितना 15 यूनिट। तो मैं कहूंगा कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 135, अगर 15 यूनिट 135 को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 यूनिट 15 × 135 कितना आएगा 9 मीटर। आपको क्या आपसे क्या पूछा, P और Q के बीच की दूरी, P और Q की, ये P होगा भाई यहाँ पे Q होगा, ठीक है। तो P और Q के बीच की दूरी कितनी है, आप बोलेंगे 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 9 × 36 मीटर, और 36 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है भाई। तो चले, आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही, बाय।